नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या, आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो पैशन प्रो के बारे में और फ्रेंड्स हीरो की पैशन एक्स प्रो के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप इन दोनों गाड़ियों को लेने में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो पूरा इसी वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं पैशन प्रो 110 के इंजन के बारे में। तो आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC इंजन दिया जा रहा है विथ i3S टेक्नोलॉजी। 109.15 cc का इंजन मिलता है, 9.5 PS की पावर जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 7500 के RPM में, और 9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 5500 के RPM में। अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो 0 to 60 ये गाड़ी पहुंचती है 8 सेकंड्स के अंदर। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स पैशन एक्स प्रो के इंजन के बारे में। तो आपको सेम इंजन दिया जा रहा है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC इंजन, ओवरहेड कैम इंजन मिलता है विथ आइडल स्टार्ट स्टॉप के साथ में, 109.15 cc का। 53 mm की बोर साइज़ दी गई है और 49.5 mm की स्ट्रोक साइज़ मिलती है। वर्टिकल इंजन आपको फ्रेंड्स दिया गया है, नंबर ऑफ सिलेंडर 1, चेन ड्राइव इंजन है, कार्बोरेटर फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलता है और फ्यूल टाइप पेट्रोल इंजन दिया गया है। अगर वेव्स की बात करें तो आपको 2 वेव इंजन मिलता है, साथ ही में आपको परफॉर्मेंस 7.45 सेकंड्स में 0 to 60 ये गाड़ी पहुँच जाती है। तो अब बात करते हैं पैशन प्रो 110 के डायमेंशन के बारे में। तो आपको 1962 mm की लेंथ दी गई है, 720 mm की विड्थ मिलती है और 1087 mm की हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1235 mm का मिलता है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है, 780 mm की सीट हाइट दी जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और 116 kg का गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट दिया गया है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स पैशन एक्स प्रो के डायमेंशन के बारे में। तो आपको 1966 mm की लेंथ दी गई है, 774 mm की विड्थ मिलती है और 1087 mm की हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1245 mm का मिलता है, साथ ही में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। अगर बात करें सीट हाइट के बारे में तो 790 mm की सीट हाइट आपको दी गई है और गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट 119 kg का मिलता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स पैशन प्रो 110 के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको 18 इंची ट्यूबलेस टायर ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ में दिए जा रहे हैं, 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, साथ ही में टेब्यूलर डबल क्रेडल फ्रेम चेजीज दी गई है और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स आपको फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया जा रहा है ड्रम ब्रेक्स के साथ में, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और अगर बात करें इस गाड़ी के रियर टायर के बारे में तो आपको सेम साइज़ 18 इंची ही टायर दिया जा रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर जो सस्पेंशंस हैं वो मिलते हैं स्विंग आर्म विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और गाड़ी के वेट के हिसाब से बिल्कुल एडजस्टेबल दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो पैशन एक्स प्रो के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको सेम सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, 18 इंची ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील्स के साथ में दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक आगे की तरफ मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, विथ IBS सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको दी गई है, और डिस्क की जो क्वालिटी है वो भी आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रियर टायर के बारे में। तो आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, साथ ही में आपको स्विंग आर्म विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हीरो पैशन प्रो 110 के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं विथ AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन फीचर आपको मिल जाता है। हीरो की ब्रांडिंग आपको ऊपर दी गई है जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, साथ ही में आपको जो इंडिकेटर्स हैं
वो नॉर्मल दिए जा रहे हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और आपको जो ये गाड़ी है उसका जो बॉडी डिज़ाइन है वो पूरा स्लिक शेप के अंदर दिया गया है। पैशन प्रो की बैजिंग आप फ्यूल टैंक के ऊपर देख सकते हैं, साथ ही में आपको हीरो की ब्रांडिंग साइड में भी दी गई है और i3s की बैजिंग आपको रियर के अंदर मिल जाती है जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और आपको डिज़ाइन वाइज स्लिक गाड़ी इसके अंदर देखने को मिलेगी और एनालॉग विद डिजिटल मीटर आपको दिया जा रहा है। i3s का स्विच मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया जा रहा है, स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, फ्यूल मीटर डिजिटल दिया जा रहा है, डिजिटल ट्रिप मीटर भी आपको उसके अंदर मिल जाता है, साथ ही में साइड स्टैंड वार्निंग लाइट, हेडबीम्स की लाइट, इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाती है और एनालॉग मीटर के अंदर आपको i3s की लाइट भी दी गई है और रीसेट करने का स्विच भी आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं पैशन प्रो के टेल लाइट्स के बारे में। तो आपको स्ट्रेट शेप टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं लुकिंग के अंदर। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स पैशन Xpro के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो आपको इसके अंदर भी हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं विथ AHO, साथ ही में आपको हेलोजन डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं और हीरो की ब्रांडिंग आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर्स आपको स्पोर्टी दिए गए हैं, IBS की बैजिंग आपको मिल जाती है, 240mm डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है, फुल्ली डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा फ्रंट के अंदर। साथ ही में जो बॉडी ग्राफिक्स है गाड़ी की, पूरा जो डिज़ाइन है Xpro का वो ग्राफिकल के ऊपर ही बनाया गया है। एडजस्टेबल इंडिकेटर्स आपको नहीं दिए जा रहे गाड़ी के अंदर, साथ ही में एनालॉग विद डिजिटल मीटर मिल जाता है और आपको स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग दिया जा रहा है, फ्यूल मीटर डिजिटल में मिलता है, ट्रिप मीटर डिजिटल में दिया गया है, रीसेट करने का स्विच मिल जाता है, न्यूट्रल की लाइट, हेडबीम्स की लाइट आपको दी गई है और i3s मोड की लाइट भी आपको मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही में आपको i3s का स्विच भी दिया गया है और सेल्फ स्टार्ट से लगाकर सभी स्विचेस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं टेल लाइट्स की, तो LED टेल लाइट्स आपको दी गई है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Baby.